चालान से मालामाल हुआ रेलवे, हर महीने लाखों लोग करते हैं पेटीकट यात्रा। नई दिल्ली, आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर रेलवे में हर दिन 1 लाख यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। चौंकाने वाले ये आंकड़े खुद रेलवे की तरफ से सामने आए हैं, जिनके खिलाफ जुर्माना करते हुए उत्तर रेलवे ने 53.51 करोड़ रुपए की कमाई की है। इनके अलावा वैसे यात्रियों की संख्या तो हर महीने करीब 2 लाख है, जो पैसे बचाने के लालच में कम दूरी की यात्रा टिकट लेकर लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। उत्तर रेलवे ने ऐसे यात्रियों से 108.10 करोड़ रुपए की कमाई की है। सभी आंकड़े अप्रैल 2018 से जनवरी 2019 के बीच के हैं। पूरे भारतीय रेल में ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। ट्रेनों में चेकिंग के बाद पकड़े गए यात्री, इस मामले में उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार कहते हैं कि बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ हम नियमित रूप से अभियान चलाते रहते हैं। यह अभियान कई तरह के होते हैं, जिनमें ट्रेन में पहले से चेकिंग दस्ता मौजूद होता है और ट्रेन के चलने पर चेकिंग अभियान शुरू करता है। दूसरा, सड़क मार्ग किसी निर्धारित रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट की चेकिंग करता है, उसी तरह प्लेटफॉर्म पर भी चेकिंग की जाती है। इन सभी तरह के चेकिंग अभियान हम नियमित रूप से चलाते हैं। अभी जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, उसमें EMU, DEMU, मेल और एक्सप्रेस समेत सभी तरह की ट्रेनों में चेकिंग के बाद पकड़े गए यात्री है 22.87 लाख यात्रियों के खिलाफ हुआ चालान। दीपक कुमार बताते हैं कि अप्रैल 2018 से जनवरी 2019 के बीच 11.46 लाख यात्री बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए, जिन पर जुर्माना किया गया और 53.51 करोड़ रुपए की कमाई उत्तर रेलवे को हुई है। इनके अलावा 108.10 करोड़ रुपए की कमाई हमें वैसे 22.87 लाख यात्रियों के खिलाफ चालान करने से हुई है, जो निर्धारित स्टेशन से ज्यादा दूरी की यात्रा कर रहे थे। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना।